आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सुप्रीमो अखिलेश यादव का मैनपुरी दौरा, भागवत कथा आयोजन में शामिल हुए अखिलेश यादव। सहारनपुर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार किया खत्म, डिप्टी सीएम का बयान। अमरोहा में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आयोजन, आयोजन में निकाली गई वैक्सीनेशन जागरूकता रैली। गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने दिया बयान, आलू के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर कसा तंज। लखनऊ में शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला, अभ्यर्थियों के साथ हुआ धोखा। नजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर संबल से है, जहां एक कोल्ड स्टोर में क्षमता से अधिक आलू भर दिए गए, इससे स्टोर की दीवार फट गई है और कोल्ड स्टोर ढहने से करीब 25 मजदूर उसमें दब गए, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। घटना के बाद पहुंचे दबे मजदूरों के परिजन रोते बिलखते रहे। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये खबर हम आपको संबल से बता रहे हैं, जहां एक कोल्ड स्टोरेज की दीवार जो है वो ढह गई, जिसमें 25 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। और जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी हुई, मौके पर पुलिस की टीमें पहुंची और लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। तो जो हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ यहाँ पर और निरंतर रूप से ये राउंड द क्लॉक ऑपरेशन चल रहा है। सिक्योरिटी के हिसाब से जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे, उन लोग को थोड़ा दूर कराया गया है, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पर है और टेक्निकल कारणों से जो हमारी मेडिकल की टीम से वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो भी रेस्क्यू हो रहा है तत्काल ही उसको भेजा जा रहा है प्रारंभिक इलाज के लिए। और रात्रि में ऑपरेशन सकुशल चलता रहे, हम जल्दी से जल्दी इसमें सफलता पाए, इसके लिए लाइट की व्यवस्था, अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था ये भी। सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और सभागार में डिप्टी सीएम ने कहा, किसानों को सरकार द्वारा मिलने वाली किश्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। इसके साथ ही कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। भारत बनाने का काम चल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम चल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त सहारनपुर बनाने का काम चल रहा है। जो भ्रष्टाचारी है, जब इस ओर कदम बढ़ेगा तो वो तिलमिलाएंगे और वो कभी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के प्रयास का समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। और विरोध की सीमा कहां तक जाती है, अभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी लंदन में गए, कहे भारत में लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई, भारत में लोकतंत्र। शाहजहांपुर में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में आज जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर बताया कि आंगनबाड़ियों को 10,000 रुपए वेतन दिया जाए और तमाम फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को निकाल दिया गया है, उनका वेतन भी रोक दिया गया है। ऐसे में उनके परिवार वालों के साथ कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है। वही पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मजदूर संघ जो प्रदेश में इस समय विसंगतियां और समस्याएं चल रही हैं मजदूरों को लेकर, उसके विरोध में यहां पे खड़ा हुआ है और अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है। हाँ, स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए और पुरानी पेंशन लागू की जाए। एम्बुलेंस के हमारे कुछ कर्मचारी निकाल दिए गए थे सरकार के द्वारा, उनको लिया जाए। उन्होंने सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसकी उन्होंने वादा खिलाफी की है, उनको लिया जाए।
खबर रायबरेली से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्वच्छ विद्यालय और ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प योजना के तहत कई विद्यालयों को साफ सुथरा करके स्वच्छ बनाने की मुहिम चलाई गई है। इस मौके पर शिक्षक और ग्राम प्रधानों को सम्मानित भी किया गया। वही कार्यक्रम में ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के तहत आए विद्यालयों के शिक्षकों और ग्राम प्रधानों द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे, जहां अखिलेश यादव भागवत कथा आयोजन में पहुंचे थे। वह इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सच नहीं सुनना चाह रही है। इसके साथ ही आलू के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा कि किसानों को आलू की कीमत भी नहीं मिल पा रही है। ये बीजेपी सच नहीं सुनना चाहती। अगर कोई लोकतंत्र में और खासकर हमारा पत्रकार भाई कोई खबर सही चलाना चाहेगा तो बीजेपी के लोग प्रशासन के इशारा कर देंगे कि इसको जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो, हत्या हो जाएगी, हत्या कर देंगे, लेकिन धारा 300 तो नहीं लगेगी। और जिसने कुछ नहीं किया होगा उसे मारपीट से लेकर के गंभीर धाराएं लगा देंगे। क्या जो संभल में पत्रकार था मंच में मारपीट की थी वो सब देखा है सबने, उसमें मंच की मारपीट की धारा लगा के जेल भेज दिया। उनहत्तर हजार भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और भर्ती में आरक्षण की मांग पर अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे थे। वहीं सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव भी किया है। आपको बता दें कि सरकार ने सूची जारी तो की है, लेकिन कोर्ट में ठीक तरीके से इसकी पैरवी नहीं की गई, जिसके कारण से इस सूची को रद्द कर दिया गया। इस घोटाले के कारण आरक्षित वर्ग ओबीसी और एससी के हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लेकर बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। खबर लखनऊ से है, जहां एके शर्मा ने एक प्रेस वार्ता की। वही एके शर्मा ने कहा कि विद्युत कर्मचारियों से मेरी 3 बार मीटिंग हुई है, मैंने कई बार समझाया, गर्मी का समय है, मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है, इसमें कर्मचारियों को और अन्य भी काम करना होता है, इसमें काम को बाधित करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके साथ ही कहा कि मैं ऐसे कर्मियों का धन्यवाद करूंगा जिसमें कई संगठनों ने जनता की समस्याओं को समझते हुए इस धरने से हटने का निर्णय लिया है। कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने कहा कि अगर समय आएगा तो 2 घंटे अधिक भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि रोज का लगभग 8 से 10 करोड़ का घाटा होता है, इसलिए बोनस देना बंद हो गया। जैसे जैसे वित्तीय व्यवस्था होगी वैसे वैसे बोनस भी दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि जन जन सामान्य तक हमारा ये संदेश पहुंचे कि हो सकता है कहीं कुछ समय के लिए कहीं कोई आपको तकलीफ पड़े, ऐसे समय में जनता भी थोड़ा संयम रखे, धैर्य रखे। हम बहुत ही व्यापक अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि एडीसीपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने 3 ATM हैकर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हैकरों से नकदी समेत कई ATM भी बरामद किए हैं। ये सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले बताए गए हैं। पकड़ा है जिसमें कि 3 लोग पकड़े गए हैं जो हरियाणा के जिला नू और उसके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये लोग घूम घूम कर ATM मशीन्स को हैक करके उसमें से पैसा निकाल लेते थे, जिससे कि अकाउंट से पैसा कट जाता था, जो पैसा निकाल रहा है उसे मिल जाता था लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था। तो जब बैंक बाद में अपना अकाउंट मिलान करते हैं तो उसमें उन्हें पता चलता था कि किसी ने मशीन हैक करके पैसा निकाल लिया। इस तरह ये 3 लोग फकरू, असलम और आमिर थाना हनुमंत विहार की पुलिस ने पकड़े हैं। इनके कब्जे से 68। अगली खबर अमरोहा से है, जहां वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और वैक्सीनेशन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल VGI मेरठ एवं प्रजापति की सहभागिता भी रही। वही वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी,
प्रतिकुलाधिपति ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को भी रवाना किया है। औरैया में बिजली विभाग के संयुक्त रूप से दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। वही बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं सुनी जा रही थी, जिसको लेकर कर्मचारियों द्वारा यह हड़ताल जारी है। ये कर्मचारी पावर हाउस के बाहर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी संयुक्त विद्युत मोर्चा के द्वारा एक समझौता किया गया था, जो 15 दिन में लागू होना था, पर आज तक समझौता लागू नहीं हुआ, जिसके बाद कई नोटिस भी दिए गए। देखिए, ऐसा है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी और प्रदेश सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उनके जो सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी जी, उनके मध्य और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों पदाधिकारियों के बीच में एक समझौता हुआ था 3 दिसंबर 2022 को। वो समझौता 15 दिन में लागू होना था, परंतु आज इतने दिन बीत गए, 112 दिन लगभग बीत गए हैं, आज तक वो समझौता लागू नहीं हुआ है। उस समझौता लागू नहीं हुआ, उसके विरोध में हम लोगों ने कई नोटिस दिए हैं, कई जो है चरण में नोटिस दिए गए, लेकिन फिर भी नहीं लागू हुआ। तो अंततः जो है क्रमबद्ध तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। आज कार्य बहिष्कार आंदोलन का दूसरा दिन है। खबर बांदा से है, जहां अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि बिना नक्शे के सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। वही एसडीएम सुरभि शर्मा ने विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका की टीम के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। वही ध्वस्तीकरण के समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर कोतवाल सहित कई चौकियों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही है। ये बाधा विकास प्राधिकरण द्वारा इनका नक्शा नहीं स्वीकृत था, इनके ध्वस्तीकरण का आदेश बाधा विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किया गया था। इन्होंने माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ अपील किया था, तो अपील में स्टे हो गया था, तो उसकी सुनवाई करके माननीय आयुक्त महोदय ने आदेश पारित किया कि इसको ध्वस्तीकरण किया जाए, उसी के क्रम में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सर, आसपास हटाया जाएगा, ये जिस जगह ध्वस्तीकरण हो रहा है वहीं से होकर एक चकमार्ग जाता है, उसकी पैमाइश कराई जाएगी और जो जो भी उस चकमार्ग में आएंगे सबका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। ये सर कब तक चलता रहेगा? ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां भारतीय मजदूर संघ की कार्य समिति की मीटिंग की गई। वही मीटिंग में जिला मुख्यालय पहुंचे कर्मचारियों ने नारेबाजी की। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिलाधिकारी को उस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया और इसके साथ ही कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन भी होगा। हमारी समस्या ये है, जो अभी प्रमोशन हो रहा है पदोन्नति आंगनवाड़ी से सुपरवाइजर के लिए, तो हमारे यहाँ जो सूची बनाई है अधिकारी कर्मचारियों ने, वो बेबुनियाद बनाई है। नहीं तो सीनियर के हिसाब से उठाए गए, नहीं एजुकेशन के हिसाब से उठाए गए। तो हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं अपने मतलब अधिकारी कर्मचारी सरकार से, कि आगे जो सूची उठाई जाए वो सीनियरिटी के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से उठाई जाए। आप ज्ञापन देने आए हो डीएम साहब को, क्या मामला है? मैं जिलाध्यक्ष राजीव यादव, भारतीय मजदूर संघ। ये जो भारतीय जो मजदूरों की समस्या है उसको उठाने हम लोग आए हैं, और उसमें हमारा भारतीय मजदूर संघ का 11-12 तारीख को गोरखपुर में वो हुआ था, वहाँ मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए कि आप 16 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। 26 अप्रैल को हमारे यहाँ इको गार्डन में विशाल जनसभा की जाएगी, मजदूरों के समस्या को उठाया जाएगा। आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें आपका रेडी पटरी है। फिरोजाबाद में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के चलते निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए एसडीएम ने लेखपाल एवं अमीनों को बिजली घर पर तैनात किया है, तो वही नायब तहसीलदार को व्यवस्थाएं देखने का आदेश दिया गया है। वही एसडीएम और सीओ ने बिजली घरों का निरीक्षण कर मौजूद कर्मचारियों से बात की। इसके साथ जो विद्युत आपूर्ति में नगर बाधक बनने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए हैं। हाँ, शासन स्तर पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों से बातचीत हो रही है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल प्रस्तावित किया है, जो आज रात 10 बजे से संभावित है। उस परिप्रेक्ष्य में विद्युत की आपूर्ति निरंतर बनी रहे,
जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसकी मीटिंग ली गई है और कार्य योजना तैयार किया गया है कि अगर हड़ताल पर चले भी जाते हैं तो विद्युत आपूर्ति कैसे बनी रहेगी। दूसरी बात, कोई भी हड़ताली कर्मचारी विद्युत आपूर्ति के जो उपकेंद्र हैं उस पर कोई न्यूसेंस ना उत्पन्न करें। हम लोग आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारी जसराना तहसील में 12 उपकेंद्र चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पर हमने लेखपाल अमीन के 24 घंटा ड्यूटी लगा दिया हूँ। नायब तहसीलदार को मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर दिया गया है। बाकी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सीओ साहब, मैं स्वयं भ्रमणशील रहूँगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपूर्ति बराबर बने। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, विद्युत मंत्री एके शर्मा ने अपील की है कि हड़ताल ना करें, उसके बावजूद भी जो विद्युत के कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर अड़े हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? जी, विद्युत अधिकारी हड़ताल पर अड़े हैं जी, कि ऐसा विद्युत किसान लोगों की मजदूरी की वजह से। हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि बिजली घर पर कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि जो बिजली की आपूर्ति है उसमें किसी भी तरीके से कमी ना हो सके। खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बयान देते हुए आलू के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर तंज कसा है। अफजाल ने कहा कि आलू का समर्थन मूल्य तय करने में सरकार ने बड़ी दरियादिली दिखाई है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य से किसानों की आधी लागत भी नहीं निकलेगी। अफजाल अंसारी ने सरकार से आलू का समर्थन मूल्य में कम से कम 1200 रुपए तक करने की मांग की है। ये किसी यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री ले रहे हैं, लेकिन किसान को खेती के मामले में अगर आप ये कहोगे कि ये अप्रशिक्षित है तो इससे बुरी गाली नहीं हो सकती। असली प्रशिक्षित किसान ही है। आपके वैज्ञानिक जो नहीं बता सकते वो हमारा किसान बता देता है। वो एक बार आसमान की तरफ उठा करके निगाह देखता है और वो कहता है कि दिन में बद्दर रात निबद्दर, अब वह पुरवैया झब्बर झब्बर, घाट कहे कुछ होनी होई, कुआं खोद के धोबी धोई। ये पहले से तमाम तरह के इस तरह के किसानों ने अपने वो बना रखे हैं और उनकी समझ का पैमाना। कमिश्नरेट बनने के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर इलाके के इंद्रपुरी चौकी का है, जहां पर दिन दहाड़े महिला के साथ बेखौफ तरीके से बदमाशों ने चेन लूटने की घटना को अंजाम दिया। वह ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है, साथ ही अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंद्रापुरी चौकी के अंतर्गत एक महिला से चैन स्नैचिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा टीम का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और स्थानीय सूचनाओं के द्वारा लुटेरों की पहचान की जा रही है और इसमें जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। हरदोई में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कई संगठनों ने प्रदर्शन किया है, साथ ही 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो इको गार्डन में प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद भी सरकार ने भारतीय मजदूर संघ की बात नहीं मानी तो उन्होंने जिले स्तर पर व्यापक प्रदर्शन की अब चेतावनी भी दे डाली है। आशा संघ, आंगनबाड़ी संघ, पंचायती राज की ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, कोऑपरेटिव बैंक और बीएसएनएल और पोस्टल 108-112 के जो अपने चालक परिचालक इस सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और पंचायत राज से भी तमाम कर्मचारी आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। एक कॉमन मिनिमम एजेंडा हम लोगों ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचे और हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो। चूँकि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक
अनुसंगिक संगठन है इसलिए। खबर कानपुर से है जहां धर्म परिवर्तन का खेल लगातार जारी है। धर्मांतरण मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो कई चौंका देने वाली बातें सामने आई। पता चला है कि धर्मांतरण करने वाले सिंडिकेट का नेटवर्क सिर्फ कानपुर तक ही नहीं बल्कि प्रयागराज, फतेहपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला है। पड़ोसी राज्यों में भी ये नेटवर्क फैला है। वहीं विदेश से फंडिंग के भी अब सबूत मिले हैं। तथाकथित रूप से धर्मांतरण को लेके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ये रावतपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। संबंधित डीसीपी को निर्देशित किया गया कि तत्काल मौके पे जांच के इसके संबंध में तथ्यों की छानबीन करें, जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके अनुसार प्रभावी कार्रवाई करें। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, कानपुर में जांच के दौरान धर्म परिवर्तन को लेकर कई बड़े खुलासे हुए, तो अभी तक इस मामले में किन किन की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं बता दूं कि लगातार कानपुर में धर्मांतरण के मामले बढ़ते चले जा रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं पुलिस बहुत अच्छी तरह से सक्रिय हुई। सक्रिय के मामले में अभी कुछ दिनों पहले ही दो लोग गिरफ्तार किए गए थे और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजा गया था। और अभी कल कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के अंदर कुछ प्रकरण और सामने आया है, जिसमें लोगों का आरोप है कि पंजाब से कुछ लोग आए थे जो कि किसी विशेष धर्म के लिए परिवर्तित करने के लिए बात कर रहे थे और साथ ही कुछ पैसों का लालच भी दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, वायरल होने के बाद पुलिस ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद इस पर कार्रवाई के लिए बात की जा रही है। जी, धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहजहांपुर में नगर निगम कार्यालय में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम के प्रत्येक वार्ड से 3 महिलाओं को चिन्हित कर उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्वच्छता प्रभारी अल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे अभियान में जिन महिलाओं द्वारा सहयोग किया गया है, ये कार्यक्रम उनके सम्मान के लिए आयोजित किया गया है। आज नगर निगम में कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें उन महिलाओं को सम्मानित किया जो स्वच्छता को लेकर के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। और देखिए, आधी आबादी जो है वही हमारी स्वच्छता की प्रहरी है और वही जो संदेश देती है वो बच्चों और पुरुषों तक पहुंचता है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी जो दी जाती है वो महिलाओं को ही दी जाती है और महिलाएँ ही इस मुहिम से जब जुड़ती हैं तभी कोई हम कार्य सफल कर पाते हैं। तो आज नगर निगम के द्वारा एक प्रशंसनीय कार्य किया गया कि उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रही हैं, कहीं ना कहीं वो जागरूक कर रही हैं समाज को कि कैसे हमें स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना है। सबसे पहले तो मैं अपने नगरवासियों को होली की शुभकामनाएं दूंगी और इस सुंदर त्यौहार पे एक सुंदर कार्यक्रम नगर निगम आयोजित कर रहा है। 10 तक के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है और जो महिलाएं स्वच्छता के लिए जागरूक रहती हैं और सहयोग करती रहती है नगर निगम को, और सिर्फ नगर निगम को ही नहीं, वो अपने मोहल्ले के हर उस व्यक्ति का सहयोग कर रही हैं जो स्वस्थ रहने के लिए इच्छुक हैं, तो वो उन महिलाओं को आज नगर निगम प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम कर रहा है ताकि वो इसी तरह से कार्य करती रहें और हमारे ज़िले को, हमारे नगर निगम को जो है प्रथम स्थान स्वच्छता में मिलता है। नगर निगम शाहजहांपुर द्वारा शासन की प्रेरणा से दस्तक अभियान चल रहा है, जिसमें घर घर जाके लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से वो गीला कचरा, चूहा कचरा अलग अलग करें और फिर अलग अलग कचरा दें। तो अभी 3 मार्च से हम लोगों का ये शुरू हुआ है अभियान कि जो कचरा है वो पृथक पृथक ही लिया जाएगा, अदरवाइज़ उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी क्रम में उन महिलाओं ने जिन्होंने दस्तक अभियान के तहत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव काम किया है और अपने वार्ड को स्वच्छ बनाने में, सेग्रीगेट वेस्ट प्रोवाइड कराने में सहयोगी भूमिका निभाई है, उनको आज सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह भी चल रहा था। तो इसी के क्रम में सारी महिलाओं को बुला के हर वार्ड से 3 महिलाएँ, लगभग 180 महिलाओं को आज सम्मानित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।